जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। और आज की हिंदी की क्लास में हम एक नए अक्षर की गतिविधि करेंगे। वो अक्षर है अक्षर प। आज हम अक्षर प की गतिविधि करेंगे। और प की गतिविधि करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कलर। यस, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं किड्स। और हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए ईयरबग। और आज हम अक्षर प पर क्या करेंगे? हम अक्षर प पर ईयरबग का इम्प्रेशन करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कलर को एक प्लेट में निकालना है। ओके, यस किड्स, मैम ने क्या किया? मैम ने कलर को प्लेट में किया है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ईयरबग लेंगे और उसको कलर में अच्छे से डिप करेंगे। हम क्या करेंगे? अब हम अक्षर प की गतिविधि करेंगे और इस ईयरबग का इम्प्रेशन अक्षर प पर देंगे। तो किड्स, हमें क्या करना है? हमें पहले ईयरबग को कलर में अच्छे से डिप करना है और फिर ईयरबग को अक्षर प के ऊपर ऐसे उसका इम्प्रेशन देना है। ओके, स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे? हम अक्षर प के ऊपर ईयरबग का इम्प्रेशन देंगे और अक्षर प की गतिविधि करेंगे। यस, मुझे पता है आप सबको गतिविधि करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है ना। तो स्लोली स्लोली आप क्या करोगे? आप अक्षर प का पर ईयरबग का इम्प्रेशन दोगे इस तरह से, जैसे मैम ने अक्षर प को लिखा है। पहले हम आधा गोला बनाते हुए यहां ऐसे किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो हमारी सीधी रेखा है, अब हम इस पर ईयरबग का इम्प्रेशन देंगे इस तरह से। ये कौन सा अक्षर है बच्चा? ये है अक्षर प। प से पतंग। यस, प से पतंग। प से पतंग उड़ती जाए। प से पतंग उड़ती जाए, डोर को खींचे तो नीचे आए। अभी हमने क्या किया? अभी हमने पतंग की सीधी रेखा पे हमने ईयरबग का इम्प्रेशन दिया। यस, इस तरह से। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी सोती रेखा जो आपकी स्लीपिंग लाइन है उस पर अपना ईयरबग का इम्प्रेशन देना है। तो स्लोली स्लोली आपको क्या करना है? ईयरबग का इम्प्रेशन अपनी पतंग की सोती रेखा पे देना है। और ये ध्यान रखना है कि आपका इम्प्रेशन से नीचे वाला जो आपने किया है वो खराब ना हो। पासे पतंग, पासे पतंग उड़ती जाए। पासे पतंग उड़ती जाए। यस, सो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको अक्षर प की गतिविधि करनी है और मैम आपसे बाद में मिलती हैं। बाय बाय माय लवली किड्स।